नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। कृषि कानूनों को लेकर करीब 10 दिनों से आंदोलन चल रहा है। सरकार से विफल वार्ता और कड़कड़ाती ठंड के बावजूद हजारों की संख्या में दिल्ली एनसीआर पहुंचे किसानों का विरोध लगातार जारी है। किसान सिंधु, टीकरी, दिल्ली गाजियाबाद, चिल्ला एवं अन्य बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। शनिवार को एक बार फिर केंद्र के साथ वार्ता बेनतीजा रही, जिससे किसानों में रोष है। बॉर्डरों पर डटे किसानों ने ऐलान किया है कि वह आंदोलन को तेज करेंगे और बगैर मांग पूरी हुए वापस नहीं जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। हम अपने पार्टी कार्यालयों पर भी प्रदर्शन करेंगे। यह किसानों के समर्थन में राहुल गांधी की ओर से बढ़ाया गया मजबूत कदम होगा। यह हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रदर्शन सफल रहे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सिंधु, औचंदी और मंगेश बॉर्डर पूरी तरह से बंद हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भी दोनों ओर से बंद है, इसलिए लोगों को लामपुर, साफियाबाद, साबोली, NH8, भोपरा या पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रास्ते का प्रयोग करना होगा। मशहूर अभिनेता रवि पटवर्धन का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले काफी समय से दिल संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। रवि पटवर्धन को हिंदी के साथ साथ मराठी सिनेमा और रंगमंच में योगदान के लिए जाना जाता है। शनिवार रात से ही उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसके बाद उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी हालत में सुधार नहीं देखा गया और रविवार सुबह उनका देहांत हो गया। अभिनेता को इस साल की शुरुआत में दिल का दौरा भी पड़ा था। फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अधिकतर दादाजी का किरदार निभाने वाले रवि पटवर्धन ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों और 150 से ज्यादा नाटकों में काम किया था। मुंबई के लालबाग इलाके में शादी समारोह के दौरान एक सिलेंडर में धमाका हो गया। इस हादसे में करीब 20 लोग घायल हो गए। कई लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक धमाका गणेश गली स्थित सारंग बिल्डिंग में हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां एक शादी हो रही थी, इस दौरान खाना पकाया जा रहा था। साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि जब खाना बनाया जा रहा था, उसी दौरान सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी। वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना केटरर्स को दी, लेकिन उन्होंने इस शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। धमाके के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और 2 जंबो टैंकर्स को घटनास्थल पर बुलाया गया। खास खबर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।